दरियावद की समाज सेवी दिव्या सोनी का महिला सशक्तिकरण ग्रुप पिछले कई साल से क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों के लिए काम कर रहा है। खासतौर पर क्षेत्र में ये ग्रुप महिलाओं की मदद करता है। महिला संबंधित शिक्षा रोजगार को लेकर तो ये ग्रुप काम करता ही है। इसके अलावा कोविड-19 के दौरान टीम वर्क कर गरीबों के घर पहुंचकर भोजन वितरण, निःशुल्क मास्क वितरण किया। लॉकडाउन के दौरान पैदल जाने वाले 200 से अधिक प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में इन्होंने मदद की। इन कार्यों के चलते इस महिला टीम के साथ पुलिस की CLG, सखी सुरक्षा, ग्राम साथी, ब्लॉक स्तरीय बैठक की जाती है। नेतृत्वकर्ता समाजसेवी दिव्या सोनी को 2 बार उपखंड स्तर पर धरियावाद एवं 1 बार महिला दिवस पर प्रतापगढ़ में सम्मानित किया जा चुका है। जरूरतमंद बच्चों को स्कूल में निःशुल्क शिक्षा दिलवाना, अशिक्षित बुजुर्गों को प्रोत्साहित करके शिक्षित करवाना, समाज की कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता और अभियान, अकेली महिलाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार खुलवाना जैसे कई सामाजिक कार्य ये ग्रुप पिछले कई साल से करता आ रहा है। इसमें दरियावद नगर के रावलाबाग नया बस स्टैंड निवासी महिला दिव्या सोनी, भारती दादीज, फिरदौस बानो, ज्योति मेघवाल, बिल्किस बानो, गिरजा सालवी, प्रियंका शर्मा, सीमा रंगस्वामी, कमला बंजारा, रमीला हरिजन, परविंदा सेन, छाया जैन सहित सारो समाज की महिलाएं शामिल है। नमस्ते, मैं दिव्या सोनी, दरियावद की वार्ड पंच, महिला कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष। सरकार द्वारा चलाई गई महिला घरेलू हिंसा रोकथाम हेतु बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चिराली ब्लॉक अध्यक्ष, दरियावद नगर सेवा समिति की अध्यक्ष दिव्या सोनी हूँ। और मेरे जो पापा हैं वो RSCB में LDC थे, मम्मी मेरी शिक्षिका रही है और उनकी सबसे पहली संतान हूँ मैं। मेरे छोटे 2 भाई बहन और भी हैं, जो मेरा छोटा भाई है वो सांवरिया मुख बद्र स्कूल में सर्विस करता है और बहन जो है वो वकील है। मगर मैंने दरियावद में 22 साल हो गए हमको रहते रहते, और 22 साल में मेरी चूड़ी की दुकान और पार्लर, सिलाई सिखाने का और मेहंदी सिखाने का काम रहा है मेरा। तो महिलाओं से मेरा शुरू से ही जुड़ा रहा है, परंतु समाज में जो महिलाओं की स्थिति है उसको देखते हुए, और दरियावद में भी बाथरूम की सुविधा है, प्रतीक्षालय ये नहीं थे, मुझे लगा कि ये चीज़ें होनी चाहिए इस गांव में मगर नहीं थी। तो इन चीज़ों को मैं कैसे लाऊं, इसके लिए मुझे लगा कि मुझे सिस्टम में जाना चाहिए तभी मैं ये कार्य कर पाऊंगी। तो इसके लिए मैंने चुनाव लड़ा और वार्ड 12 में चुनाव लड़ा और लोगों का सपोर्ट मिला। उसके बाद मैंने प्रतीक्षालय भी बनवाया है हमने कोशिश करके, और टॉयलेट भी बना है, और ऐसे कई कार्य हैं। मगर सबसे जो मुख्य कार्य बाद में उभर के आया तो वो महिला सशक्तिकरण का रहा है, क्योंकि महिलाओं की जो स्थिति है दरिया विधानसभा क्षेत्र में मैंने देखी है, बहुत ही दयनीय स्थिति थी। महिलाओं की जब विधवा हो जाती है उसके बाद में महिलाओं को बहुत इधर उधर भटकना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने बालिका शिक्षा हो, चाहे महिला शिक्षा हो, पालनहार हो, विकलांग पेंशन हो, चाहे RTE में बच्चों का एडमिशन करवाना हो, राशन कार्ड में नाम जुड़ाना है कटाना है, या फिर उनके मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने हैं, विवाह पंजीयन बनाने हैं, ऐसे कई कार्य हैं जिनमें मैं महिलाओं की मदद करती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि जो कार्य मुझे पसंद है मैं वही कार्य करूँगी। और उसके बाद में कई ऐसे मुद्दे उठे, ज्वलंत मुद्दे थे जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी था, जैसे नोटबंदी में महिलाओं को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, बैंकों द्वारा भी उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, या फिर कई महिलाएं जाती है तो उनके साथ अच्छा सुलूक नहीं होता है, तब अगर वो कंप्लेंट करती है तो मैं हर उस जगह पे महिलाओं के साथ मौजूद रही हूँ जहाँ उन्हें लगता है कि मुझे दिव्या की जरूरत है। और भविष्य में भी महिलाओं का इतना सपोर्ट रहा है कि भविष्य में भी अगर ऐसे कोई कार्य हुए तो मैं कभी पीछे नहीं रहूँगी। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी शुभकामना, मैं तो ये एक ही मैसेज देना चाहती हूँ महिलाओं को कि महिलाओं के लिए कोई भी राजनीतिक क्षेत्र में कार्य आसान नहीं है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, मगर यदि आपके पास में सकारात्मक पॉजिटिव किस्म के पुरुष हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं जितनी आप आगे बढ़ना चाहेंगी तब तक आप आगे बढ़ेंगे।